तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं शॉर्टिंग्स के बारे में, कैसे डेटा को हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारी आज की क्लासेज है। हमारे पास डेटा है, देखिए डेटा में हम शॉर्टिंग करते हैं किसी एक सीक्वेंस पे अरेंज करने के लिए। एक सीक्वेंसली अरेंज करने के लिए हम शॉर्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि टॉप फाइव क्वांटिटी कितनी है। जस्ट मुझे पता करना है कि टॉप फाइव क्वांटिटी कितनी है, तो इसके लिए आपको बस क्वांटिटी के ऊपर कर्सर रखें और यहाँ शॉर्ट ए टू जेड कर लें या जेड टू ए कर लें, तो यहाँ पे टॉप फाइव को यहाँ इजीली कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। जो टॉपर होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपके। लेकिन शॉर्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखें कि आपका जो डेटा है वो डेटा में ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। अगर डेटा ब्लैंक हो जाए होगा तो दिक्कत होगा। राइट, तो डेटा आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर डेटा ब्लैंक है तो आपको सिलेक्ट करके फिर करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट। अगर मान लीजिए मुझे नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, दो तीन फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो कस्टम शॉर्ट पे आएंगे और यहाँ पे इसे मैंने नेम सेलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ नेम के बाद मेरा सिटी भी सिलेक्ट हो जाए, तो ऐड लेबल मैं यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करूँगा, सिटी मेरा हो जाएगा। उसके बाद इसको ओके करें, आपका देखिए डेटा शॉर्ट हो गया। ये तो बेसिक शॉर्ट है, मोस्टली लोगों को पता होता है। मैं यहाँ पे डालता हूँ मंथ और यहाँ पे मैंने जैन फेब मार्च डेट डाल दी है। राइट, अब मुझे मंथ के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो नॉर्मल शॉर्ट अगर मंथ के अकॉर्डिंग करते हैं तो वो आपका अल्फाबेटिक नहीं होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जनवरी पहले कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिक शॉर्ट ना हो के कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो, तो उस केस में जहाँ ए टू जेड वगैरह करते हैं उसमें आपको कस्टम लिस्ट यूज करना होगा। और कस्टम लिस्ट में जब आप जाएंगे वहाँ, यहाँ से आप जैन फैब जो है वो सेलेक्ट कर लें, तो फिर इस लिस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है तो कस्टम शॉर्ट में यहाँ न्यू लिस्ट में, न्यू यहाँ पे कस्टम लिस्ट के अंदर न्यू लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो जो सीक्वेंस आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये होगा। फिर ओके कीजिए एंड देन अगेन ओके, तो ये अप्रैल आया, फिर मई आया, जून आया, जुलाई आया। इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और भी आती है, जैसे मान लीजिए कि मैं नंबर पे ही मैंने कुछ कलर दे दिए हुए हैं, अब मुझे शॉर्ट करना है कलर के अकॉर्डिंग। जितने भी ये मैंने ग्रीन कलर डाले हैं एक टॉप पे आने चाहिए, तो उस केस पे भी हम शॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी को ले लिया और यहाँ जो सेल वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है, इस सेल वैल्यू को लें और इसमें आप क्या करें, यहाँ पे सेल कलर कर दे या फॉन्ट कलर कर दे, तो इस कॉलम में जितने भी कलर होंगे वो लिस्ट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे इसको जो कलर को टॉप पे रखना उसको सिलेक्ट कर लें, देन ओके, ये आपका ओपन हो गया। राइट सर, देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह से मान लीजिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन लगा रखी है, मान लीजिए मैंने आइकन लगा दिया यहाँ पे, किसी के बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें।
मैं आइकन को अपने हिसाब से करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सॉरी माफ कीजिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करना नहीं इसमें, यहाँ शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और कस्टम शॉर्ट पे मैं MRP को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करूँगा, अपना आइकन सिलेक्ट करूँगा जो आइकन चाहिए, ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए, देन ओके। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे इसका यूज हम लोग करते थे, नॉर्मली हम यहाँ पे फिल्टर शॉर्टिंग करते हैं, तो शॉर्टिंग समझ में आ गई आपको। शॉर्टिंग में ऑप्शन के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर माय डेटा हैज ए रीडर तो यहाँ पे देखिए सारे हेडिंग आ रहा है, अगर यहाँ से इस चेकबॉक्स को अनक्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ABCD इस तरह से होगा, कोई हेडिंग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन में एक आता है केस सेंसिटिव, जैसे मान लीजिए आपने नेम के हिसाब से, अगर मैं नेम के हिसाब से किया हुआ है शॉर्ट, और मान लीजिए कि मनोज हमारे पास है, तो कुछ मनोज ऐसे हैं कि यहाँ पे आपका कैप्स में है और कहीं पे स्मॉल में है, तो केस सेंसिटिव पे अगर आपने ऑप्शन में क्लिक कर दिया हुआ है तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्मॉल लेटर एक जगह पे आएगा और क्रिएट लेटर यहाँ एक जगह पे आएगा, उसके अलावा यहाँ पे है शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, जैसे मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, यहाँ पे मैं मंथ देता हूँ मंथ, और यहाँ पे हमारा सेल्स है, और यहाँ पे मंथ में मैं जैन फै मार्च कर देता हूँ, यहाँ से जैन फै मार्च, यहाँ पे मैं नंबर्स दे देता हूँ। मुझे अब शॉर्ट करना है हॉरिजॉन्टली, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ कस्टम यहाँ पे सॉरी शॉर्ट में आता हूँ, और इसमें हमारे पास ऑप्शंस के अंदर में लेफ्ट टू राइट यहाँ ऑप्शन है, क्लिक किया रोवन एंड ओके, ये आपका देखिए शॉर्ट लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। लेफ्ट राइट समझ में आ गया। अब चलिए कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास डेटा डेटा है,
अब मुझे इस डेटा में अब ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करता हूँ, मुझे एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो इसमें एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट कैसे होगा? तो मैंने मतलब कि हर एक बाद में हर एक लेटर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं करना है, यहाँ सीरियल नंबर देना है और यहाँ पे यहाँ वन दे दिया, नीचे टू दे देता हूँ, नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो ये वन टू आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसी को इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट किया डेटा को और यहाँ हम यहीं पे शॉर्ट पे कस्टम शॉर्ट पे आते हैं और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करते ही देखिए यहाँ पे एक के नीचे ब्लैंक रो इंसर्ट हो गया, एक के नीचे ब्लैंक रो आपका इंसर्ट हो गया, राइट। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको डेटा दिया, उसमें बहुत सारे ब्लैंक्स हैं, आपको ब्लैंक डिलीट करने हैं। तो ब्लैंक डिलीट करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं? ब्लैंक को डिलीट करने के लिए फिल्टर लगा के डिलीट विलीट करते हैं। तो उस केस में यहां हम क्या करेंगे, शॉर्ट पे जाएंगे और किसी एक के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर देंगे, आईडी के अकॉर्डिंग मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैंक था वो ब्लैंक नीचे आ गया। ओके क्लियर है, कोई डाउट? अरे एक बार दोबारा बता दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, हमने डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम गए शॉर्ट में और किसी एक फील्ड के अकॉर्डिंग हमने यहां शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ब्लैंक था ना नीचे चला गया, क्लियर है जी सर? कुछ दिक्कत नहीं सर? नहीं नहीं ठीक है, समझ गए। अब इसमें एक चीज और भी आती है कि मुझे हर दो रो के बाद डेटा इंसर्ट करना है, हर दो के बाद। तो हर दो के बाद कैसे होगा? हर दो के बाद कैसे होगा? तो इसके लिए हम यहां पे देंगे वन वन, दो बार वन वन लिख दिया, फिर इसमें प्लस वन करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इससे क्या हुआ कि हर नंबर हमारा दो बार रिपीट हुआ, तो हमारा 12 तक गया। अब नीचे जो हम लिखेंगे नंबर उसको हम जो है बस एक ही बार लिखेंगे, इसको दो बार नहीं लिखेंगे, इसको हमने क्या किया एक बार लिखा और फिर इनको डेटा को सिलेक्ट करते हैं। सॉरी ऊपर सीरियल नंबर नहीं है हमारे पास, सीरियल नंबर दे देता हूँ।
तो ये पूरे डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर सीएल के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देते हैं। हो गया सर, दो दो के बाद। तो ये शॉर्टिंग थी हमारी। शॉर्टिंग के बाद हम फिल्टर के बारे में बात करें। जनरली फिल्टर तो आपको आता ही है। इसमें देखिए यहाँ पे आपके सामने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशंस है, कंडीशंस ले सकते हैं। तो इसमें हमें लगता है कोई बड़ी चीज़ है, तो स्मॉल सी चीज़ें आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से नंबर फिल्टर से, यहाँ पे नंबर फिल्टर में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू वगैरह दिया हुआ है, तो फिल्टर अप्लाई कीजिएगा। तो कहने मतलब है कि होप मेनू बार के टॉपिक्स में यहाँ पे फिनिश करता हूँ। लेकिन कल की क्लास में पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज जानूंगा कि आप मुझे क्या करें, होम मेनू बार को पूरा स्कैन कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज आपको मिसिंग हो गई है, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सर, ठीक है। हेलो नो जी, अब आपके पास कोई डाउट्स वगैरह हैं तो पूछ लीजिए। जी सर, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल की क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो गुड नाइट।